हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको फाइल स्क्रीनिंग सर्वर पे फाइल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगा। सो फाइल स्क्रीनिंग एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर फाइल्स को स्क्रीन कर सकते हो, यानी कि जब भी कोई यूज़र सर्वर पे कोई भी फाइल स्टोर करता है तो फाइल का एक्सटेंशन, जैसे अगर आप कोई पीपीटी फाइल स्टोर करते हो तो उसका एक्सटेंशन पीपीटी या PPTX होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल एक्सेस रखते हो, स्टोर करते हो सर्वर पे, तो उसका एक्सटेंशन डॉक होता है। कोई म्यूजिक फाइल रखते हो तो उसका एक्सटेंशन .MP3 होता है, या कोई वीडियो फाइल रखते हो तो उसका एक्सटेंशन .AVI, .MKV ऐसे करके फॉर्मेट होता है। तो आप पर्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन को सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रीनिंग में कि आप किस फाइल को ब्लॉक करना चाहते हो सर्वर पे स्टोर करने के लिए। इस ऑप्शन का यूज़ सर्वर में इसलिए किया जाता है कि कई यूजर्स फाइल सर्वर्स पे अपने म्यूजिक्स और अपने वीडियोस को स्टोर करते हैं, जिससे कि फाइल सर्वर का जो स्टोरेज होता है वो वेस्टेज होता है। तो ये ऑप्शन यूजर्स को सिर्फ और सिर्फ वही फाइल रखने देगा जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। फाइल स्क्रीनिंग, सबसे पहले मैं इस यूजर से लॉग ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉग इन करता हूँ। फाइल सर्वर में स्क्रीनिंग ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको फाइल सर्वर पे क्लिक करना होगा। सर्वर मैनेजर पे जाते हैं इसके लिए। सबसे पहले स्टार्ट मेनू, सर्वर मैनेजर, रोल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ऐड रोल सर्विसेज। ये ऑप्शन आपको जो कि पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से टिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी थोड़ी जो हमने पहले वीडियो में बताया है फाइल कोटा में, उसमें मैंने ये किया था। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड दिखा रहा है। तो आप अगर यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं शो कर रहा है तो ये चेक बॉक्स, जैसे आप DFS का चेक बॉक्स हाइलाइटेड है, वैसे ही इसका भी हाइलाइटेड होगा। इस पर भी टिक करके आप फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये आप मुझे फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर एक्सेस करना है तो इसके लिए आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर ऑप्शन आ रहा है। टिक करेंगे फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट पे। यहाँ कोटा मैनेजमेंट है जो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ पहले पहले सेशन में। ये ऑप्शन आ रहा है फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। ये फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट ऑप्शन है, यहाँ से फाइल स्क्रीनिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट फाइल स्क्रीनिंग, यहाँ से आपको फाइल स्क्रीन पाथ यानी कि वो फोल्डर सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आप उस, या वो ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर फाइल जब स्टोर हो तो वो एक्सटेंशन वाली फाइल स्टोर ना हो। तो जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, यहाँ से पहले से टेम्पलेट दिया हुआ है। अगर आप कस्टम सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर टाइप को आप ब्लॉक करना चाहते हो। यहाँ देख सकते हैं आप, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ब्लॉक करना चाहते हो, बैकअप फाइल रखने से मना करना चाहते हो, या कंप्रेस फाइल रखने से मना करना चाहते हो, एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो यहाँ से मैं ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का साइज ज़्यादा होता है, जिससे कि यूजर क्या कर सकता है कि अननेसेसरी फाइल स्टोर करके सर्वर का स्टोरेज वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑडियो और वीडियो फाइल्स सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ। अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो ऑलरेडी टेम्पलेट का नाम देके बना सकते हो, अदरवाइज टेम्पलेट नहीं क्रिएट करना है तो सेव कस्टम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फाइल स्क्रीनिंग हो चुका है, ऑडियो और वीडियो फाइल्स ब्लॉक हो चुकी हैं। अब मैं इस पे कुछ ई ड्राइव के अंदर कुछ मैं सॉन्ग्स यानी MP3 फाइल्स रख रहा हूँ या वीडियो फाइल्स रख रहा हूँ, देखते हैं इसके अंदर स्टोर होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से देखते हैं कैसे फाइल कॉपी करते हैं।
ये हमारे पास MP3 फाइल्स हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, इनको कॉपी करते हैं, जो कि सी ड्राइव में तो कॉपी हो चुकी है, ई ड्राइव में कॉपी करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, डेस्टिनेशन फोल्डर एक्सेस डिनाइड, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। स्पेस है हमारे पास, पर म्यूजिक फाइल कॉपी नहीं हो सकती है। ऐसे वीडियो फाइल अगर आप रखते हो तो वो भी कॉपी नहीं होगी। तो फाइल स्क्रीनिंग ऑप्शन से ये आप कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर फाइल को आप चाहते हो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो स्टोरेज होने से, स्टोर करने से। तो ये था फाइल स्क्रीनिंग। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।